मैं सर के अहमदाबाद के सरखेज नेहरू नगर विस्तार से आई हूँ। मैं वहाँ पे 20 साल से रहती हूँ और मम्मी पापा 40 साल से रहते हैं। हमारे वहाँ पहले इतनी बस्ती नहीं थी, जहाँ हम रहते थे वहाँ पूरा जंगल हुआ करता था। तो वहाँ पे ना गटर की, शौचालय की, पानी की कोई की सुविधा थी ही नहीं। तो हमें बहुत बहुत परेशानी, मम्मी पापा को भी बहुत परेशानी होती थी। काफ़ी छोटी थी तो वहाँ पे शौचालय की सुविधा नहीं होने के कारण हम पहले तो छोटी थी तो कहीं भी चले जाया करते थे, मेरे भाई बहन है सब। फिर जब जब मैं बड़ी होने लगी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था बाहर आने जाने में, शर्म जैसी आती थी। फिर वहाँ पे बस्ती ज़्यादा होने लगी तो बाहर जाना आना भी बंद हो गया। वहाँ पे अभी भी सुविधा है ही नहीं। फिर गुजरात महिला हाउसिंग की बहन आई, उन्होंने हमें समझाया कि ऐसा 500 NOC है जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आपको परमिशन मिल जाएगी कॉरपोरेशन से। तो हमने बोला ठीक है आप दूसरे दिन आना, हम सब लोगों को इकट्ठा करके रखेंगे। वो दूसरे दिन आई, सब बहनों को इकट्ठा हमने किया। फिर वो बहनों को समझाया कि आपको ऐसा फॉर्म भरना है, ये कॉरपोरेशन से फॉर्म मिलता है। तो आप हमको CD भी बताई कि ऐसी सुविधा हमने दिलाई भी है। तो हमने बोला ठीक है कि आप फॉर्म भर दो। तो वो लोग ने फॉर्म भी भर दिया। ऐसे 2 महीने हुआ तो भी कुछ काम स्टार्ट हुआ नहीं हमारे एरिए का। और फिर हम 2 साल जैसे हो गए तो भी काम स्टार्ट नहीं हुआ। फिर बारिश का मौसम आया तो बारिश में इतनी हमको दिक्कतें हुई ना, हमारे वहाँ इतना घुटन जितना पानी भरा ही जाता है, तो उसमें जितना गटर का पानी जो नेक खुली है वो भी पानी बाहर आ जाता है, वो पानी बाहर आ जाता है। और तो और वहाँ पे एक 5 दिन बारिश बहुत गिरी तो पानी कहीं आने जाने का रास्ता ही नहीं था। तो फिर 5 दिन तक वहाँ पे लाइट की थी ना सुविधा, तो लाइट का थम्बा गिर गया था तो वहाँ पे करंट भी आता था, तो पानी के अंदर हम चल के भी नहीं जा सकते थे। तो 5 दिन तक हम घर के बाहर नहीं निकले। हमारे वहाँ थोड़ी जगह खुली थी, कोरी थी, तो वहाँ पे हम सब ने मिल के गड्ढा खोद दिया। तो वो इलेक्ट्रिशियन बोले कि हम पानी में काम नहीं करेंगे, पानी में करंट आएगा तो हमारा जान की जोखिम हो सकती है। तो हमने बोला ठीक है हम गड्ढा कर देते हैं, तो गड्ढे में थोड़ा थोड़ा पानी चला जाएगा गड्ढे में। तो बोलते हमने फिर सबने मिल के वो गड्ढा खोद दिया। फिर वो गड्ढा खोद दिया तो उतना पानी थोड़ा चला गया, तो फिर इलेक्ट्रिशियन बोले थोड़ा कोरा करना पड़ेगा, गीले गीले में काम नहीं होगा। तो ऐसे हम 20 दिन तक लाइट भी घर थे, गटर पानी की भी सुविधा नहीं। फिर हमने तो क्या करा, हमने प्राइवेट बनवा लिया झाड़ रूम। मम्मी पापा ने थोड़े पैसे लोन दिए थोड़ी, फिर से हमने प्राइवेट शौचालय अपना बनवा लिया। और जो मेरे दादा का जो गड्ढा था खार का, उसके अंदर पानी ज्वाइन कर दिया। अभी मेरे पापा प्राइमर्स का काम करते हैं और मम्मी सिलाई काम करते हैं। और मैं घर में कोई की शादी होती है तो मेहंदी लगाने जाती हूँ। Nagma Ben was describing how difficult it is without a toilet and without drainage, and the kinds of difficulties that women especially face. And there again, I'd like to refer to what Devki Jain said earlier, that the women's specific issues are often ignored, and they are very important because for women, the house is sort of the central part of their lives. And she has been trying, she and her people around her have been trying for water and sanitation, now she says for many years, but last 2 years very intensively, but there has been no success.